की हेल्प करना चाहते हो तो आप इनका नंबर मिल जाएगा, आप उनकी डायरेक्ट हेल्प कर सकते हो गूगल पे फोन फोन पे जैसे। करीब माँ की बेटी रेखा मैडम का पीछे क्यों लगे? मैं तो हंसने के लिए आप तो रो दिए। देखिए क्राइम होता, क्राइम दो शिक्षा देता है, या तो क्राइम को देख के क्राइम करना सीख जाओ या फिर उससे सुधर जाओ। अरे बुढ़े उन्हें पूछ के ना फिर मना हुआ ना रेखा ना ये 15 दिन तक। सबसे पहले भाई गुड मॉर्निंग वाली राम राम। आज हम खास मुलाकात, खास जबरदस्त टाइम पास आज हम आपकी करवाएंगे। और कहाँ करवाएंगे हम? मैं कहाँ हूँ आपको बताता हूँ। मैं आज पहुंचा हूँ हास्य के पास, गांव खोखा में। यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त फेमस हो रखे हैं मास्टर सुखविंदर और रेखा मेहराना। तो आज इस गांव में पहुंचे हैं और गांव में आपसे मिलवाएंगे। और इस गांव में आप देख ही रहे होंगे, और ये उनका घर है। घर एक बार कुलदीप भाई कैमरामैन एक बार ये घर दिखा दीजिए। ये घर है मास्टर जी का और यहाँ पे है। और हम बड़े ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुंचे हैं और आपसे भी मुलाकात करवाएंगे, खास मुलाकात, जबरदस्त टाइम पास। और सुखविंदर जी सामने मिल चुके और रेखा मेहराना भी है। लेकिन दोस्तों मेरे को लग रहा है कि ये फिर गुस्से में है, लेकिन मैं तो इनके छोटा सा हूँ जी। कंगारा जी मैं तो छोटा सा हूँ जी, मैं तो आपके पाँव लगो जी। 15 दिन हो गए रोटी खाए, बोल भी कौन नहीं करता मेरा। और कौन नहीं नहाने देता जी? सर कोई भी आओ, वो सीधा ऑफलाइन भी कौन आता, ऑनलाइन पोस्ट पेड नंबर ले रहे हैं, ठीक है, और सीधे लाइव आऊ। देखो जी मैं आपका दुख और दर्द समझता हूँ, मैं भी आप जैसा ही हूँ। मैं आपका आपकी वीडियो इतनी बहुत सारी देखी है और वो वीडियो देख के ही मैं आपका दुख और दर्द आज आपसे बांटने आया हूँ। लेकिन हमारा हमारा चैनल है वीजी हरियाणा एंटरटेनमेंट चैनल, और इस पे हम नाटक एक शो डालते हैं खास मुलाकात। आज आपसे खास मुलाकात करेंगे। खास कर लो भाई, वाह जी क्या बात है। मास्टर जी ने हमारे लिए बैठने के लिए हॉट सीट एक सीट दी है और बैठे हैं मास्टर जी। ये हमारा चैनल है, ये चैनल आप देख सकते हो। ये तो हरियाणा के है नाम इसका पूरा, वीजी हरियाणा वी सी एक जी है जी, वीजी हरियाणा भाई। हाँ। चैनल वाला ने मतलब मैं बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करूं हूं। मैं इनका एंटरटेनमेंट मनोरंजन। हाँ हम आपसे आज मनोरंजन की बात करूं क्योंकि आपको मैं देख रहा हूं बहुत, आपने खाना तो, भी नहीं खाया। मेरा तो लोगों ने खुद एक एंटरटेनमेंट बनाया था, क्या मैं क्या ना मनोरंजन करूं लोगों का। तो भाई तो आप मेरे को हंसी आपके दिखाई नहीं दे रही थी, आज मैं आपको हंसाऊंगा। हाँ हंसी खुश हंसी तो भाई क्या बात है दोस्तों, ऐसी हंसी के आप दीवाने हैं। मेरे को लगता है कि आपने नाटक देखे होंगे मास्टर जी। हाँ जी सर। मेरे को देखो पहली बात तो आप मास्टर जी है, वो कैसे लगे आपका मास्टर जी? आप कैसे हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं मास्टर जी? आप कैसे? आप एक बार सर आपका शुभ नाम बता दो। मेरा नाम है विशाल गोस्वामी, वीजी हरियाणा एंटरटेनमेंट अपना चैनल है। गोस्वामी मैं बताऊं आपने? हाँ जी मास्टर कई नु कह देता हूँ बेटी, जो मास्टर है शर्म को नहीं आंदी। हाँ जी मास्टर बलखन पढ़ाओ। हाँ जी उन लोगों ने इतना ज्ञान को नहीं कि मास्टर अलग चीज और टीचर एक अलग चीज हो। क्या बात है जी, तो हमारे दर्शकों को बताइए सर मास्टर और टीचर में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं। टीचर तो उन्हें कहते हैं जो स्कूल पढ़ते हो, जो तनखा लेंदे हो, ठीक है जी। और मास्टर का मतलब वो है, मास्टर का जो शब्द का अर्थ है नहीं, वो है मालिक। और मालिक क्या का? अपनी कला का। जो मान लिया बाल काटे है वो भी मास्टर है जी, बाल काटने अंधे हो तो। सही बात है, वैसे तो क्या हाँ कुछ भी काट दो सही। कोई गढ़ुआ बजाओ, कोई बंजू बजाओ है, कोई गाँव है, सारे ने मास्टर बोला है क्योंकि वो अपनी कला के ऊपर। क्या बात है दोस्तों, मास्टर जी आपने बता ही रहे हैं कि मास्टर जी किस टाइप के मास्टर है, वो टीचर नहीं। लेकिन मास्टर जी मैंने आपकी व्हाट्सएप पे फोटो देखी थी, आपके टीचर टाइप की ही एक फोटो लगी हुई है व्हाट्सएप पे। हाँ वो कहाँ की है फिर? वो एक कॉलेज में गया था मैं। अच्छा ठीक है, मैं कॉलेज में गया था, मैंने देखो
वह भी मेरी कला है। वो भी कला है। अच्छा वहाँ पे कॉलेज में आपने क्या दिखाया था? कॉलेज में छोरी छोरी देखी होंगी। हाँ छोरी छोरी लड़की लड़की। हाँ कोई भी मेरी जो डीपी देखी है आपने। हाँ जी। जो व्हाट्सएप पर लग रही एक भी लड़का को नहीं। हाँ जी, हाँ जी। लड़का सिर्फ मैं हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो इतनी बड़ी बड़ी लड़की आके कॉलेज में जो मैं खड़ा हूँ तो ये मारा नाम क्यों को है कि यो गलत है। क्या बात है जी। आपके गांव वाले भी और भी काफी काफी हरियाणा में काफी जगह से ये चीज करते आ रहे हैं कि आपके पत्रकार भी न्यूज वाले भी काफी आए हैं और वो उन्होंने भी काफी ऐसी बातें की कि ये गलत है गलत है। देखिए जी मैं जहां तक मेरी सोच है देखिए दोस्तों आप भी देख रहे होंगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको एक जगह तो सिनेमा है जहां पे सिनेमा आपने देखे होंगे इस हार में बहुत सारे सिनेमे काफी सिनेमे है उनमें आपको पता होगा एक तो भक्ति लाइन की फिल्में लगती है दूसरी में अंग्रेजी लगती है दूसरी में हरियाणवी भी लगती थी लेकिन बंदा जहां जाएगा वो सिनेमा खुद टिकट लेके वहां जाएगा वही किसी को पकड़ के नहीं ले गया था लगी हुई है वो आपका मन करता जहां जाएगा। लेकिन आपको चले मास्टर जी आप मेरे को एक चीज और बताइए आपने नाटक जो जैसे आपकी पॉपुलरिटी जो हुई हुई है वैसे बनाई आपने कोई एक अच्छे नाटक भी आपके कोई मतलब किस तरह के कोई। मैं तो गोस्वामी आपके चैनल का माध्यम जितने भी साथी सुनने लग रहे हमें हर रोज लाइव आ करते मैं रेखा मेरा नाम हमें हर दिन कहा करते कि महाराज एक नाटक भी जो गलत साबित कर दे कोई तो चैनल ना डिल्ट मार देंगे और के करवा के छोड़ देंगे ये लोग। सही बात है। नहीं वैसे जो मतलब कोई और भी ऐसा जो आपने आपने तो देखो आप जो बना रहे हो बहुत मेहनत लगती है बनाने में आपने तो बिल्कुल सारे अच्छे सही लग रहे हैं लेकिन फिर भी कोई ऐसा जो एक जैसे कि अभी आपकी मैंने आपके गांव में सर्वे किया था वहां भी मैंने सुना था कि आप एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर नाटक बना रहे हो इसी तरह नहीं वो गांव के जो कुछ यूथ आए यूथ जिसको जवान कह लिया पूरे इकट्ठे हो गए मेरे घर पे आए थे मैंने बोले ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यो नाटक बनाओ साबित काम शेयर करेगा हम भी करेंगे जी हम भी करेंगे मैं वैसे ही कह रहा हूँ आपने पहले। अच्छा चल सर इस पॉइंट को मैं यहीं पे एक बार रखता हूँ छोड़ता हूँ दूसरा कोई और अलग से लेते हैं तो मास्टर जी सुखविंदर जी तो ये मैडम जी है रेखा महाराणा जी तो इनके साथ आपने जो नाटक जो कर रहे हो क्या इसमें नाटक देखो मैंने बहुत देखे हैं आपके मतलब कम देखे हैं पूरे आपके आपने जैसे जितने अगर 100-150 डाले वो नहीं देखता है नहीं वैसे मैं ये कह रहा हूँ क्वांटिटी अगर आपने 100 डाल रखी है 100 में से मैंने जैसे कि 50 देखे हैं तभी मैं पूछ रहा था तो इनमें रेखा जी आपकी वाइफ ही बनती है बेटी बनती है या मम्मी बनती है बहन बनती है क्या क्या बनती है ये कि आप वाइफ वाइफ बनती है नहीं देखो ये किरदार किरदार निभाती है किसी नाटक में ये मेरी पत्नी बनती है किसी में मेरी बेटी बनती है किसी में मेरी बहन बनती है तो वो किरदार होता है। बिल्कुल क्या बात है दोस्तों देखते रहिए मुस्कुराते भी रहिए साथ में। देखिए मास्टर सुखविंदर जी ने कहा क्या कहा है कि रेखा जी जो है ये एक सीक्रेट और नाटक के उस हिसाब से किया जाता है इनको उस टाइम कई बार बहन भी है ये आप बहन वाला क्यों नहीं देखते बहन भी है कईयों में कई में हो सकता है इनकी मम्मी भी मम्मी तो सर एज के हिसाब से नहीं होगी कई में हो सकता बेटी भी हो होगी ना बेटी भी नहीं एक्सक्यूज मी सर इसको लुच्ची बेटी के नाम से बदनाम किया जा रहा है। हाँ जी उन लोगों ने मैंने एक बात कहना चाहूंगा हमारा नाटक बना द आर्मी फाइल अच्छा उसमें या एक माँ का किरदार निभा मैं बाबू हूँ और हमारे साथ जो हमारा जो लड़का जो था मेन जो अधूरा फौजी जो लिया जिम मारना छोरा अच्छा जी उसने इतनी स्ट्रगल करी कि मुक्का मार के कांध को तोड़ दिया। अच्छा जी रियल में असली में रियल में वो नाटक इन्हें पूछ लो वो क्यों को देखा क्या बात है वो नाम क्या है जिसका दार्मी फाइल। दोस्तों जो भी इस वीडियो को जो देख रहे हैं जो भी काफी इंटरव्यू लिए हैं मास्टर जी के और भी काफी जो देख रहे हैं जो चर्चित है जो कमेंट भी जो डाल रहे हैं तो द आर्मी फाइल आप नाटक देखिए और मैं भी देखूंगा। देखो मैंने इतना अभी सर्च नहीं किया लेकिन माए मैं तो मेरा काम है इंटरटेनमेंट का मैं तो इंटरटेनमेंट वाली इनसे बात मुलाकात करनी है उनसे बातें करनी है कि इसकी दिनचर्या जो चर्चा में क्या है इनके शादी हो रखी है बच्चे है तो उस तरह की लेकिन ये आजकल जो माहौल चला हुआ है इनके बहुत इनके मैं नाटक देख रहा था बेचारे हर टाइम ही कहीं रोते हुए कहीं किसी के साथ झगड़ा होते हुए ऐसे मैंने देखे तो उससे मैं
अपनी भावना चिन्ह से मिलने आया था। देखिए वो मेरा पर्सनल वो है, आप वो चीज ने देखी, लेकिन ये बता रहे कि द आर्मी फाइल जो नाटक है वो भी देखिए और मैं भी देख के बताऊंगा और उसको शेयर भी करूंगा। तो दोस्तों आप अच्छी चीज भी देखिए, बुरी चीज क्यों देखते हो आप, आपको वही बुरी, हर आदमी, मेरे को लगता है कि हर आदमी में एक बुराई होती है और अच्छाई भी होती है, तो आप बुराई को छोड़ के अच्छाई को दोस्तों आप करना चाहिए। देख कम कहने ज्यादा समझना। तो मास्टर जी, हाँ गोस्वामी, तो आपकी फैमिली में और कौन कौन है, आपके बच्चे, मतलब शादी तो हो ही रखी होगी आपकी? शादी हो रही है, मेरा एक लड़का छठी क्लास में पढ़े सरकारी स्कूल में पढ़े, और जितने भी मारा काम है नहीं जो विरोध करने लग रहा, मेरा छोरा 2 साल का था नहीं, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना सीख गया था 2 साल का। क्या बात है, वाह। और वे वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डालोड़ी है, मेरे छोरे के लगे दुश्मन आई थी, एक बंदे ने भी जे मारा काम करे मेरे छोरे की वीडियो शेयर करी होनी, मैं शक्ल को दिखाऊं इस काम में। क्या बात है दोस्तों, देखिए लेकिन अच्छी चीज तो आप कर सकते हो आप, ठीक है यार, जो बुरी है ठीक है वो भी देखो बुरी है, हम भी वो मानेंगे जो गलत है देखो, लेकिन जो अच्छी है चीज उसको भी तो आप बोलिए। लेकिन इस चीज का मैं वादा करता हूँ, मैं इनसे मिलने आया हूँ, अगर ये अगर लोग उसको देखेंगे नहीं, उसमें लाइक की कमेंट ही नहीं करेंगे जो अगर जो इनकी गंदी चीजें हैं, तो वो ये खुद नहीं बनाएंगे। अब ये भी मुद्दा ही है ना, जो गलत चीज है उसको तो आप मतलब लाइक हो अंगूठा और टेक और शेयर और पता नहीं क्या क्या आए, हो सकता है एक दिन में 5-5 बार देखते हो, अच्छी चीज को नहीं देख रहे हो। तो मैं तो दोस्तों चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं और भी चीजें हैं, पर इस हर चीज को देखना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, मेरा छोरा छठी क्लास में हो रहा, पहली तो लेके पांचवी तक वो फर्स्ट आया, फर्स्ट। क्या बात है, ई बनी अंबेडकर जयंती पे रोंदा आया मेरा घरा, मैं बोला पापा मेरे तो इनाम कोड़ी मिला, मैं फर्स्ट आऊं, मेरा दुख खोली हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है, बच्चे मतलब वो फर्स्ट आओ और मेरे तो रह के रोए वो, तो पापा मेरे तो इनाम को नहीं मिला, कितना दुख। बहुत बहुत देखो बच्चे की 1 साल की मेहनत होती है, पहली चले के 5वीं तक वो फर्स्ट आया, मारे गांव में किसी ने इनाम नहीं दिया, जो और वे आदमी नहीं, कौन से आदमी है जो थाने में जाएगी नुको थे तेरा नाम गलत तक जो खोखा लाई रहा वो हटा ले, क्यों मैं खोखा गाऊ मक्खे लगाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं, तू कहाँ गया, कोई नहीं मास्टर जी, कोई बात नहीं। और गुरु जी देखियो, रेखा जी भी बोल रही है, देखो होता है यही चीज तो मैं अपने चैनल पे दिखा रहा हूँ ना, जो चीज मतलब क्या है, मैं न्यूज वाला नहीं हूँ, मैं पर्सनली इंटरटेन, लेकिन वही चीज तो है ना, एक चीज पे फोकस कर रखा है, अरे दूसरी चीज भी करो ना, मैं इसीलिए तो आज ये वीडियो बना रहा हूँ। रेखा जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मम्मी पापा बहन भाई। लेकिन अभी मेरे को सुना था कि आपकी वीडियो देख रहा था कि अभी वो साथ है या मेरे हिसाब से अगर वो साथ नहीं, नहीं मेरी फैमिली पूरी सपोर्ट में। आपकी फैमिली पूरी सपोर्ट में, देखो फैमिली ही सपोर्ट में होनी चाहिए। तो मास्टर जी देखिए, ऐसा आप मत कीजिए, कोई बात नहीं, होता रहता है, देखिए हर टाइम होता है, हर घड़ी होती है, चलता रहे, समय है, समय जरूर बदलता है। और एक्सक्यूज मी सर, गोस्वामी जी, मैं आपको तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी साथी सुनने लग रहे हैं देखना है इस वीडियो ने, मैं ना तो नू कहता लाइक करो ना मैं नू कहता कमेंट करो, क्योंकि मैं लाइक और इन कमेंट तो रहे उचित, ठीक है, कोई जे जी ना अच्छा लगाएंगे तो बता देंगे। सही बात, एक बात कहना चाहूं, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन NWR नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया का 2011 तक लेके 2014 तक का मैं टॉपर हूँ, मेरे गांव के आदमी ने कदे भी किसी भी स्टेज पे मैं बोल कहा कि मास्टर तू इस काम का पढ़ा लिखा छोरा है, मेरे दुख को नहीं होगा, अन्य कहोया तुमने बोला मेरे गांव की बेइज्जती कराई थी, मेरे दुख को नहीं होगा, बिल्कुल दुख नहीं होगा। वही बात है जी दोस्तों और व्यूवर्स और लाइक देख लो, अच्छी बात को आप देख लो ना, कैसे दुख होता है अच्छी बात का, और जो कोई अगर आप इन चौथी सर अगर कोई मेरे गांव का आदमी ये कह दे कि इस सुखविंदर खोखा से इंटेलिजेंट या इससे बेटर कोई अंग्रेजी सिखाने वाला हो नहीं है हमारे गांव में, चैलेंज हरियाणा नहीं गांव नहीं हरियाणा देश
पूरे देश को चैलेंज कर रहा है सुखविंदर को। मैंने 40 मिनट की क्लास दे दियो, अब 40 मिनट में कोई नुकाओ नहीं, मैं पढ़ाना पढ़ा दूंगा। जितना 40 मिनट में सिखाऊंगा नहीं, मैं इतना 4 मिनट में सिखा दूंगा। क्या बात है दोस्तों, आप क्या यार किसी की हुलिये पे नहीं जाते, कला पे जाते हैं। इनमें हर एक चीज कला कूट कूट के भरी हुई है। मास्टर जी मास्टर जी आप देखो ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अरे ये दिन अभी चली जाएगी, क्या करूं गोस्वामी क्या करूं। अब मैं तो हंसने के लिए, आप तो रो दिए, देखिए गलत है। अगर आप भी रोगे तो मैं भी रोने लगता हूँ, हमें कौन चुप कराएगा। लेकिन हाँ। मैं परेशान हो रहा हूँ। नहीं कोई नहीं, नहीं परेशानी परेशानी भी हो जाएगी, दूर हो जाएगी। कुछ टाइम घड़ी होती है, चक्कर होता है, टाइम का निकल जाएगा। रेखा जी आप, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं नहीं मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा जी, अभी रेखा जी की देखो शादी नहीं है, तो आपकी कब शादी का है कोई इरादा, या मास्टर जी करवाएंगे कैसी क्या शादी आपकी? देखो रही शादी बाद जो संजोग में जो लिखा हुआ मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं है, बस होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ना ना बिल्कुल होगी। दोस्तों मास्टर जी एक सवाल पहले कभी उठा था, सपना जब हिट हुई थी 2010 में, 10-11 उस टाइम डांस करती थी। दोस्तों डांस के चक्कर में एक चीज और मेरे को याद आ गई, अगर ये चीज, अगर ये इनका जो मुद्दा चला हुआ है बैन का, भाई ये गलत बना रही है, यूट्यूब की भी गाइडलाइन होती है, रिटर्न में होती है, यूट्यूब भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर कोई गलत चीज हो तो यूट्यूब भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। कि कभी पहले कभी ना डांस होते थे, डांस अभी देख रहे हो आप कोई डांस, सुनीता बेबी और सपना के, अब नहीं आ रहे क्योंकि यूट्यूब ने उस पर इनकम बंद कर दिया, यानी कि बैन ही एक तरफ से गाइडलाइन से बाहर है। तो दोस्तों ये गाइडलाइन के अंदर इन्होंने जो काम किया है, मेरे को नहीं लगता अगर इसी ऐसी बात होती यूट्यूब ही इसको बैन कर देता। और सपना जब थी, सपना के ऊपर भी ये कईयों ने ये कहा था कि सपना डांस कर रही है, अश्लीलता डांस कर रही है, अश्लीलता फैला रही है। तो वहां पे सपना ने ये जवाब दिया था कि मैं डांस अश्लीलता कहां पे फैला रही हूं। बॉलीवुड में तो आधे कपड़ों में डांस होता है, सपना तो फिर भी पूरे कपड़ों के अंदर डांस करती थी। तो सपना के बाद कोई मुद्दे उठे ही नहीं, वो तो सपना थी और आज बहुत अच्छे लेवल बिग बॉस तक भी हो गई हुई है, वो सपना थी। तो रेखा जी आपको भी लग रहा है कि आप भी एक सपना की तरह सपना और सपना बनोगे? देखो सर क्योंकि क्योंकि देख सपना को भी दबा रहे थे उस टाइम, क्यों वो हिट हो रही थी और आज बॉलीवुड में भी सपना का नाम है। बता आप भी एक सपना, कहीं दूसरा सपना का नाम आपके साथ ही ना हो जाए। देखो सर तुलना तो मैं किसी के साथ अपनी नहीं कर सकती, मैं भाई जो इस फील्ड में मैं उतरी हूँ तो मेरे को तो देखो सर कामयाबी चाहिए। और जो हमारे सीरियल से बहुत अच्छे हैं, पूरा नहीं देखते, अगर उसको पूरा देखेंगे तो आखिरी में स्पीच बहुत अच्छा दिया। जो हमारी आने वाली जनरेशन अगर उसको अच्छे तरीके से देखेगी तो शायद, जैसे क्राइम होता, क्राइम दो शिक्षा देता है, या तो क्राइम को देख के क्राइम करना सीख जाओ या फिर उससे सुधर जाओ, वह दो चीजें होती हैं। क्या बात है, सही बात है, बिल्कुल सही। तो देखिए जी मैं भी, हमारे भी नाटक है, मैं भी नाटक करता हूँ। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कोई बंदा किस तरह होता है, काफी पुराने टाइमों की बात है, कई कलाकार थे जैसे कि मेरे पापा दादा से मैंने सुनी हुई है। दोस्तों आपने भी सुनी होगी कि है ना कई नाटकों में तो दारू सिगरेट पीनी पड़ जाती है। प्राण एक एक्टर था, शायद वो कभी रियल में ये अपने बीड़ी या सिगरेट नहीं पीता था लेकिन फिल्मों में पीता था। तो वही चीजें हैं, कैमरा के सामने जो ये कर रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में ऐसा होगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसा नहीं है, जो आदमी कैमरा के सामने कर रहा है उसको पता ही कैमरा कोई देख रहा है, और कोई जब होगा ही नहीं तो वो चीज से दोस्तों कम कहने से ज्यादा समझना, यानी कि जो बंदा कैमरा के सामने करता है बहुत उसकी हिम्मत होती है। और कलाकार है, आप कलाकार की कलाकार चीज है ये, मैं तो एक कलाकार के नाते ही आज इनसे मिलने भी आया हूँ, बातें इनसे कर रहा हूँ एंटरटेनमेंट की। गोस्वामी जी मैं बताऊँ आपने एक बात, इस लड़की का विरोध क्यों आया? काश ये लड़की किसी अमीर घर की होती, हाँ जी, तो इसका विरोध नहीं होता। नहीं होता बिल्कुल। इसकी माँ 220 रुपए की दिहाड़ी करती है आज के टाइम में, आज के टाइम, और 4 बच्चों को पाल रही है। अच्छा इसका पापा भी दाढ़ी मजदूरी कर रहा है। आपके चैनल का माध्यम से जितने भी साथी सुनने लग रहे उन्हें बता देंगे कि आजकल दाढ़ी कितनी की मिले है, इसकी माँ ने भी कितनी की दाढ़ी मिले है। महीने में केवल 5 दिन दाढ़ी बजाओ है, 4 बालक उनके लत्ते कपड़े रोटी खुआना सब्जी बनाना, ए जे सब्जी भी बनाओ नहीं तो 150 रुपया का गाट सब्जी को नहीं बना। हाँ बिल्कुल नहीं नहीं बनेगी जी, बिल्कुल सही बात है। तो एक गरीब माँ की बेटी रेखा मेहरा का पीछे क्यों लगे,
क्योंकि मैंने कहा साथी है, साथ साथ सर मैंने मैंने कहा मेरे कहा मैं तेरा साथ कौन छोटू इनके कुछ काम के मैं पंचायती को नहीं कहता हूं मैं तो असामाजिक तत्व हूं जो मारा गांव में आए के मारे गांव का माहौल खराब करा और इसका पापा ने जबरदस्ती मारे गांव में चक ले इसका पापा ने हार्ट अटैक का भी झटका लिया और मेरा इतना अच्छा दोस्त हो लेकिन मैं बात कर दूंगा भी कौन इसका। ये तो बहुत दुख की बात है, इस घड़ी में तो उनके साथ होना चाहिए मम्मी पापा का तो होना चाहिए लेकिन अब क्या। एक बात बताओ सर, इसका पापा का अटैक झटका या हॉस्पिटल में रहा, इसका जी को नहीं करता बेटे साहब। हां बिल्कुल बिल्कुल जी कर रहा है लेकिन गांव की चार चार पीछे ही लुगाई नुगा गांव में पड़ गई नहीं तो चुराए फूंक देंगे तो मटिया तेल गिर के। तो दोस्तों मेरे दिमाग में एक और बात आई सर, मास्टर जी एक बार आप चुप हो जाइए, देखिए आप देखो रो मत, अरे आप तो लोगों को रुवाने वाले थे आप रो रहे हो। तो दोस्तों क्या करें, दोस्तों अगर मैं अगर रेखा जी पब्लिक है, पब्लिक देख रही है, दर्शक है, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, अगर ये कह रहे कि देखो घर में कितने गरीब है, मम्मी जी 220 रुपए की दिहाड़ी करती हैं, दोस्तों आप अगर ऐसे हो तो कमेंट में आप नंबर मांगिए ना मैडम का, रेखा जी का, सुविंदर जी का, कि आप इनसे पेटीएम गूगल पे नंबर दो, आप वैसे भी इनकी सहायता कर सकते हो। अगर अगर आप ऐसी सहायता कर दोगे तो क्या बताइए इस चीज को भी छोड़ कुछ और करे। कई दर्शकों ने मेरे से बोला था कि बोले कोई आप सिलाई का भी काम कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी है जी सारे सिलाई का ही करेंगे, सारे बर्तन दोगे तो नहीं। अगर आपको हेल्प करनी है, अगर आपने भी परमात की हेल्प करना चाहते हो तो आप इनका नंबर मिल जाएगा, आप उनकी डायरेक्ट हेल्प कर सकते हो गूगल पे, फोन पे, जैसे भी। गोस्वामी जी मेरी बात सुनो, हमने किसी से कोई आर्थिक हेल्प नहीं चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं ना बस अमन वो कर दो, क्योंकि नुगागर है मैं कमाए के खाओ बैंक ना खाओ, हमें किसी से कुछ नहीं मांगते बिल्कुल। लेकिन सुखविंदर जी लेकिन देखिए अभी जो मुद्दा उठे हुए हैं तो इसको एक बार आप करने के लिए, लेकिन आपकी डिमांड है जो दर्शकों की पब्लिक की डिमांड, तो एक बार आप अच्छे जरूर करके भी ये दिखाओ कि कंटिन्यू आप एक अच्छी चीजें दिखाओ कि देखो हम ये भी कर सकते हैं, वो दिखाओ ताकि उनको भी पता चले कि हम ये, और फिर वो देखना कि कौन सी क्लिक हो रही है कौन सी चल रही है। मरगाम का यूथ आएगा परसों मेरे घर पे इकट्ठा हो गए, उन्होंने कहा कि आप बनिया अगला नाटक बनाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2000 फोन हमारे गांव में। मैंने एक बात कही थी, 200 आदमी मैनू भी कोनी कहता कि 200 आदमी ने शेयर करना अच्छा लगे तो उन्होंने कह दियो यो नाटक अच्छा है, कमी लगे तो उन्होंने कह दियो या कमी रहेगी तो वो नाटक हमें दोबारा बनावांगे, लेकिन गांव का नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि नू कोनी किसी ने संदीप लिख दिया, किसी ने कुशार लिख दिया, विशाल लिख दिया, रविंदर लिख दिया, प्रदीप लिख दिया, ये तो हरेक गांव में हुए हैं। जे नू के 200 कमेंट भी मुझे मेरे गांव तक नहीं आएगी नहीं कि मैं खोखा का हूँ और इस नाटक यो मैंने अच्छा लगा, मैं नू भी को नहीं कहना शेयर करो, मेरे गांव के 200 आदमी आके कमेंट करा दियो ठीक है, अगर 200 आदमी कमेंट कर देंगे नहीं तो अगला नाटक नहीं साबित काम क्या जो यूथ आया या बड़े बूढ़े उन्हें पूछ के फिर मना हुआ क्या बात है। दोस्तों अभी सुखविंदर जी ने कहा है कि एक ये पूरे गांव वाले तो साथ करो यार, बाकी तो हो ना हो, आप ये जो वीडियो अगर देख रहे हो तो पूरे गांव वाले देखो आपका फर्ज बनता है ये कमेंट, और दोस्तों ये आपने बताना कि कैसा आपको नाटक लगा, हर कोई बताना जो भी देख रहा हो, तो ये बहुत अच्छी बात है और फिर देखते हैं कि कितने और भी बहुत अच्छे यार, अब बहुत वो होते हैं, आप एक बार कुछ साथ तो आप लोगों भी दोगे ना, आप वही बात आ गई फिर। चलो वीडियो मेरे को लग रहा है कि ज्यादा लंबी हो रही है, तो सर आपसे एक दो और बातें करनी है क्योंकि ये तो आपके इसके रिगार्डिंग की बातें होगी, जो मैं चाह रहा था वो तो अभी नहीं हुई है क्योंकि देखिए मैं देखे नहीं है, खैर मैंने भी देखे हैं कि बिल्ला मोर कोई साथ वो भी ऐसी वीडियो पे नाटक बनाते हैं कि वो गाड़ी तक भी बोलते हैं उसमें, उनकी भी चल रही है पर वो मैं बताऊं सर उनका जुगाड़ होगा या गरीब की है बस। अच्छा दूसरी बात सर, अभी आप ये जो नाटक कितने टाइम से कर रहे हो आप? हाँ मैं डेढ़ साल से कर रहे हो, डेढ़ साल से आपने कोई इसकी मतलब एक देखो आप मतलब अभी तक इसका
कई बिजनेस होते हैं, बिजनेस में हम लाख दो लाख लगाते हैं फिर उसकी इनकम शुरू होती है। अभी आप इसमें आपने लगाया ही लगाया है या इनकम भी आई आपकी? मैंने जी लगाया ही लगाया है अभी तक इनकम। जिस टाइम वायरल होने लगी उस टाइम यानी कि अभी तक आपने पैसे लगाए लगाए हैं, आने का टाइम हुआ तो ये दिक्कत है अभी। हाँ अभी तक आपके पास कोई पेमेंट ही नहीं आई? नहीं पेमेंट तो आई है। अच्छा लेकिन इतनी को नहीं आएगी जितना सामान लगा रखे है। क्या बात है दोस्तों, इन्होंने खर्चा लगाया दोस्तों यार, इन्होंने तो अभी आने का टाइम था तो इनके वीडियो बन नहीं रही है, रुकी हुई है। तो 15 दिन हो गए जी, 15 क्यों नाटक बनाया, ढाई तीन महीने हो गए जी, हमारा कोई नाटक नहीं डाल रखा। अच्छा मास्टर जी, अब सूत्रों के हवाले से एक खबर और सुन रहा हूं मैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आप जैसे कि न्यूज वाले और काफी वीडियो वाले आते हैं आपके पास, मैंने भी देखी है, तो क्या ये स्क्रिप्ट लिखी होती है कि ये भी जैसे कि आप, मैंने कई वीडियो देखी थी कि आप आ रहे थे बैग लेके जा रहे थे, कई आ रहे थे कि आप पंखा पे रस्सी लटका रखी थी चुन्नी की, मैं तो मरने जा रहा हूँ, या एक 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 सुनिए, एक वीडियो ने तो और हद कर दी थी कि आप वहां खेत में थे और पानी में थे और वहां पे एक पत्रकार भाई था जो भी वो आया, उसने मतलब आपके लोकेशन आपके घर पे आपके खेत में घर पे आके आपसे हाथापाई भी की, उसने की आपने की वो तो देखो नहीं है, लेकिन फिर भी उस जो बाहर से आया उसका ऐसा नहीं करना चाहिए और आपने भी घर में आया मेहमान का नहीं करना चाहिए था, तो ये भी कोई स्क्रिप्ट थी या वैसे ही हो गया था? तू नहीं गोस्वामी जी, आपका मैं जवाब दूंगा इस चीज का। एक बात बताओ, ये बवाल कहाँ से उठा? डाणी पीरावाड़ी गांव से। तो डाणी पीरावाड़ी गांव से जितनी भी औरतें आई उन्होंने क्या क्या मेरे बारे में बोला, जितने भी साथी आए क्या वो सारे स्क्रिप्ट का हिस्सा थे? नहीं, वहां वहीं से बवाल मचा। उनके भाव देख लो, ठीक है, वो मेरा जी जाना है ये स्क्रिप्ट है या मेरा दिल के ऊपर बीत रही है। तो दोस्तों वो देखिए, कई सोच रहे थे, कई लोग भाई बोल रहे थे, फोन आ रहे थे कि वो सब स्क्रिप्ट बनी बनाई है। देखो वो मतलब रियल थी, सच था जो भी था, वो जो एक बार मारपीट वाला हुआ जो। सर जी मैं आपको जो बात बताना है वो बताओ ना कि मतलब जिस तरीके से हमारी गिरफ्तारी करवाई गई। हाँ जी। और पूरा गांव इनका, पूरा गांव तो कौन कहना है क्योंकि उसमें कुछ पूरा गांव तो कभी भी वो नहीं होता। हाँ। मतलब गांव के 10% लोग जिन्हें हमें इनके घर तक उठवाई। अच्छा। मेरी पिटाई करवाई। अच्छा। मेरे खोप लात लग रही ईब तक भी आप देख सको। अच्छा नहीं, तो, नहीं, नहीं नहीं क्या मतलब वो पूरा गांव मेरा स्क्रिप्ट का हिस्सा था? नहीं नहीं वो नहीं था, वो देखिए आप वहां जा रहे, मैं उसकी नहीं बात कर रहा, एक वो इंटरव्यू लेने आया हुआ था लड़का, कोई खेत में आए हुए थे वो, आप खेत में कुछ शूट कर रहे थे जब वो वहां पे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है सर। अच्छा। मेरा दिल जाना है जो मेरे ऊपर बीतने लग रही है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने वही पूछा था कि देखो उन्होंने भी आया, वो आपकी जगह पे उन्होंने भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, जहां तक मेरी सोच है। देखो मैं आपके पास आया हूँ और अगर मैं आया हूँ तो आपने भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर जो हुआ लोगों ने उस वीडियो पे शायद कमेंट भी किए हुए हैं कि अच्छा हुआ सही हुआ, दोस्तों वो आप लोगों की सोच है। पर अच्छा एक बड़ी एक सवाल और है मास्टर जी हमारा लास्ट में, जो आप ये कलाकारी कर रहे हो, कलाकारी हो आप यूट्यूब पे, तो इसमें कोई हरियाणा का कलाकार किसी का कोई कॉल आयो या आपसे कोई मिलने आया हो, कोई ऊपर से नहीं तो निचले मन से किसी ने कहा हो कि जी हम आपके साथ हैं? देखो सर जी मैं बताऊं, फिलहाल तो मतलब मैं फोन उठाए को नहीं लग रहा 15 दिन। दूसरी बात मारा रेंज भी को नहीं दी, वो उसका कलाकार साथी फोन भी कर दे, फोन को नहीं मिला मारा हमने। बाकी मेरे तो न्याण तो मिलने आए थे, कहा था मस्ती है हमें आपके साथ, ठीक है बड़ी वाली गांव तार लिए लाकर साथी मस्ती है हमें आपके साथ। बाकी फोन मेरे काम में रेंज को नहीं मिलता हो। तो दोस्तों वही बात है कि देखिए कलाकार मतलब आपके साथ है, मतलब आपको लग रहा है कलाकार सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, चाहे ऊपरले मन से निचले मन से कर ही रहे हैं। आपने बताया एक दो के फोन आए हैं? नहीं एक दो के फोन नहीं आए। अच्छा। मैं डायरेक्ट मेरे घर पे आए। अच्छा।
तो सर देखिए कलाकार ने भी साथ देना चाहिए, कलाकार भी आना चाहिए। अरे जब और कोई भी पंचायत कर सकता है, दूसरे लोग भी मतलब पंचायत कर रहे हैं, जो भी बात हो तो हम लोग भी एक बार पंचायत करके जो जहां कमी है उस कमी को दूर करें ना। कोई भी कमी, अगर हम में कमी, आप में कमी है, लेखा जी में कमी, तो उस कमी को दूर करेंगे तभी। गोस्वामी जी आपके चैनल के माध्यम से सबने मैनू को मैं देखो इंसान है, गलतियों का पुत्र, गलती होती है, मेरे अंदर गलती बताओ तो या गलती है। बिल्कुल दोस्तों, और मेरे भाइयों और जो अपने कलाकार भाई जो भी वीडियो को देख रहे हैं, काफी हरियाणा में सिंगर राइटर आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपने अभी तो बहुत गर्मा गर्म ये चल रहा है ये माहौल, तो इस पे अगर आप चाहो तो एक आप भी हमारी एक मीटिंग बिठा के आप बात कर सकते हो कुछ यार, उस कुछ सुलझाओ। हर ये नहीं है कि हर चीज का हल नहीं होता, हल होता है। और इनको भी देखो काम होते इतने दिन से, ये इनकी देखो क्या हालत होगी कि सेव भी नहीं कर पा रहे हैं, मेरे को लग रहा है पिछले 15-20 दिन से। सेव के सच्ची बात बताऊं रोटी भी कौन खा रखी बना, क्या बात है देख लो, बहुत देखो बहुत दुख की बात है। 15 दिन हो गए ना रेखा ना आई है, 15 दिन तक आज आप रोइए मत। और देखिए अभी काफी वीडियो लंबी हो चुकी है, आप ऐसा मत ऐसा ना करो, हाँ उसमें डाउन करो। तो रेखा जी आप हमारे चैनल पे आपको संदेश आपके मन में जो लग रहा हो, कोई आप किसी पत्रकार में ने भी पूछा हो ना किसी ने पूछा, तो आपको ये लग रहा हो कि मैं ये बात बताना है, मेरे को बात बोलनी है, कोई ऐसी कोई बात आप दर्शकों को ऐसे कुछ जो आपको देख रहा हो, या कोई आपसे विपक्ष वाला हो जो मतलब आपसे जलता भी हो, कोई ऐसा उनको कुछ आप बताना चाहो देना, तो आपके मन की बात, कोई मन की बात बताओगे आप। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगी, जो जो हमारे सीरियल से उन पे ऑब्जेक्शन उठ रहे हुए ये सही नहीं है, तो मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगी पहले उस सीरियल्स को पूरा देखो, फिर उसको समझो भैया कि कौन सी स्टोरी किस हिसाब से बनाई गई है, तो शायद उनको समझ में आएगा, फिर हमारे नाटकों को कोई गलत नहीं कहेगा। गोस्वामी जी देखो मूवी आती है 2-3 घंटे की मूवी होती है, आप एक बात बताओ अगर हम पूरी मूवी नहीं देखेंगे तो क्या हम उसको गलत या सही कह सकते हैं। हाँ ये बात तो सही है भाई, गलत पूरी देखने के बाद तभी तभी समझ में आएगी, वो बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं चलो कोई बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ हमारे कलाकार भाइयों से मिलके इस चीज का भी जैसे भी है पूरा एक बार कहीं बैठ के ही बातें होगी है। देखिए दोस्तों अभी देख रहे ये सुखिंदर जी भी कह रहे हैं कि आदमी गलतियों का पुतला है, कहीं अगर गलती हुई है तो वो गलती भी मांगने के लिए तैयार है, कमेंट करके बता दो। हाँ बता हमारे जितने भी एपिसोड है सर, देखिए और रेखा मेहराणा चैनल पर जितने सीरियल्स है, अगर दर्शकों को कहीं कमी लगती है तो वहाँ कमेंट करके बता देंगे। और हम हमने सर नियर अबाउट 150 एपिसोड बना रखे है, और हर एपिसोड में बोल रखा है कि कोई कमी है कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखे हमारे चैनलों पर। देखो एक दो जलता पूछता तो कि मैं भी लिख दे, बाकी 100 में तो 90 कमेंट पॉजिटिव है। क्या बात है, तो वही बात है ना, तो जब कमेंट ही जब पॉजिटिव आ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, आप भी शायद बोर हो गए, लेकिन मैं तो हंसी मजाक इंटरटेनमेंट चाह रहा था, पर अभी मास्टर जी थोड़े सीरियस है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे अपन नए इंटरटेनमेंट के साथ, खास मुलाकात जबरदस्त टाइम पास। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।